ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हो, ठीक है ना, दो एक दो लेंस लेना था आपको, एक तो बड़े नंबर का मतलब जैसे आपका 2.25 है तो पहले आपको 2.25 का पहना देगा, फिर अगला जो लेंस होता है वो हल्का फुल्का वेरिएशन का होता है 2.5, हाँ थोड़ी बहुत वेरिएशन का, और दो लेंस एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अजम्पशन फिर से वही रहेगा कि लेंसेज कैसे हैं थिन, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज जीरो, लेंसेज के बीच का डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो। चलो आपके पास दो लेंस हैं, ये मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, आपस में एक दोनों चिपके हुए हैं, ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ F1 है, इसका फोकल लेंथ F2 है, मुझे निकालना है दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस क्या निकालते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेम हियर आई वांट टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। कि फोकल लेंथ ऐसी चीज है जो आपको बताती है कि ऑब्जेक्ट यहां पे तो इमेज कहां पे बनेगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना, 1/u - 1/v = 1/f, हाँ कि ना। चलो स्टार्ट हो जाओ फिर से एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या डिस्टेंस मान ले, u मान लो, अच्छा सिंस लेंसेज आर थिन आई टेक दिस एज सेंटर नाउ, ठीक है, और सारे के सारे डिस्टेंस यहीं से नापे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लेंसेज आर वेरी वेरी थिन, तो यहां से रे डिस्टेंस कितना मान लो u, कोई दिक्कत। सो पहले रे आई सीधी निकल गई, दूसरी रे यहां पे आई कहां पे जाएगी बोलो फटाफट, अगर ये दूसरा लेंस ना होता तो क्या होता, ये मान लो कहीं यहां पे मीट करती, मान लो कहीं यहां पे आके, ये तो इसको क्या बोल दें, ये ऑब्जेक्ट ये मेरी इमेज डैश, डैश क्यों लिख रहा हूं क्योंकि फाइनल इमेज नहीं है, फाइनल इमेज तो ये बनाएगा भी, अच्छा इसके डिस्टेंस को क्या बोल दो v1 बोल दो, चलो आगे क्या होगा जब ये रे यहां पे पहुंचेगी तो दोबारा से डाइवर्ज हो जाएगी, सॉरी कन्वर्ज हो जाएगी, तो फाइनल इमेज यहां पे बनेगी, और यहां से इस इमेज के डिस्टेंस को मैं फाइनल v बोल रहा हूं, दिक्कत परेशानी। चलो स्टार्ट हो जाओ, लेंस वन 1/v - 1/u = 1/f, 1/v क्या डालूं, पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस कहां पे है v1 माइनस 1/u, इमेज डिस्टेंस तो u ही है, साइन कन्वेंशन डालेंगे कि नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे क्योंकि ये ड्राइव करते टाइम ऑलरेडी हम डाल चुके, ठीक है, जब फाइनल यूज करेंगे सेकेंड टाइम तब डालेंगे, जैसे मैंने आपको कल बताया था, इज इक्वल टू 1/f1, कोई दिक्कत परेशानी, वो दिक्कत चलो इक्वेशन नंबर वन, लेंस टू देखो ये लेंस टू है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे, लेंस टू के लिए ये आपको मैं लेंस टू बना रहा हूं बस, ये लाइट रे देखो ऐसे आ रही है, एक लाइट रे यहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट कहां पे, कोई रियल ऑब्जेक्ट है क्या, रियल ऑब्जेक्ट होता तो डाइवर्ज होके आ रही होती लाइट रेस, तो इसको क्या लगेगा, इसका ऑब्जेक्ट कहां पे है, जहां पे या तो इंसिडेंट रेस मिले या मिलती दिखाई दे, कौन सी रेस, इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेस कौन सी रेस होती है, बिफोर रिफ्रैक्शन, रेस तो वही है लेकिन बिफोर रिफ्रैक्शन उनका नाम क्या है, इंसिडेंट रेस, आफ्टर रिफ्रैक्शन नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रेस, तो ये इंसिडेंट रेस बिफोर, ये लेंस से अभी लेंस ने कुछ नहीं किया, अभी लेंस ने कुछ नहीं किया तो लग रहा है कि यहां से आ रही है, यहां से चीज समझ में आई, ये रे लग रहा है कि यहां से आ रही है, मतलब सॉरी ऐसा लग रहा है कि इंसिडेंट रेस यहां पे मीट करेंगी, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या डालूं, इमेज डिस्टेंस वी 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 वी, इसकी इमेज वी पे है, v1 इज इक्वल टू 1/f2, कोई दिक्कत परेशानी नहीं तो बता दो, पक्का, एड देम, एड 1 इन 2, दिस इज गॉन, तो क्या आया 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2, नथिंग बट
इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, हाँ कि ना, ये फाइनल इमेज डिस्टेंस, फाइनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए, चीज समझ में आई। और ये क्या है फिर, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, हाँ कि ना, कंपेयर कर लो इससे, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आ गई, 1/F1 + 1/F2, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर। तो F इक्विवेलेंट क्या आएगा बोलो, 1/F1 + 1/F2, पावर क्या आएगी इक्विवेलेंट, 1/F इक्विवेलेंट क्या है, पावर इक्विवेलेंट, 1/F1 क्या है, पावर ऑफ लेंस 1, 1/F2 क्या है, पावर ऑफ लेंस 2, तो पावर सिंपली एड अप हो जाती है, चीज समझ में आई, हाँ कि ना। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर उसने आपके पास दो लेंसेज लगाए एक दूसरे के पास, अगर मान लो एक का दो नंबर है दूसरे का 0.25 नंबर है, तो टोटल पावर क्या हो गई, 2.25। ही नीड नॉट डू एनी कैलकुलेशन, ही जस्ट नीड टू एड दैट, चीज समझ में आ रही है, हाँ कि ना। चलो इसको जनरलाइज कर लो, अगर 3, 4, 5, 6 लेंसेज होते तो क्या आता, 1/F1 + 1/F2 + 1/F3, सो ऑन, सिंपल पावर क्या बन जाती, P1 + P2 + P3, सो ऑन। इस चीज का ध्यान रखना, ये अजम्पशन है कि लेंसेज हमारे बहुत थिन हैं, किसके मुकाबले थिन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के मुकाबले, ठीक है। और डिस्टेंस डी यानी कि दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, जीरो, नेग्लिजिबल, ऑप्टिकल सेंटर टू ऑप्टिकल सेंटर इज नेग्लिजिबल, कोई दिक्कत, आपस में जुड़े हुए हैं, अगर आपस में जुड़े नहीं होंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, वो भी क्वेश्चन करेंगे कैसे करना है, फिर से करने ऐसे ही है, पहले एक वाला एक इमेज बनाएगा, दूसरा इमेज बनाएगा, सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा कि सारे के सारे डिस्टेंस यहां से नहीं नापे जाएंगे, फिर चीज समझ में आ रही है पक्का। चलो ये फॉर्मूला लगाने टाइम ध्यान दें क्या क्या चीजें रखनी है, लेंसेज शुड बी थिन, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज शुड बी नेग्लिजिबली स्मॉल, यहां पर चिपके होने चाहिए, तीसरा सराउंडिंग मीडियम ऑन बोथ साइड शुड बी सेम, एफ इक्विवेलेंट हो गया, पावर इक्विवेलेंट हो गया, मैग्निफिकेशन क्या आएगी, मान लो इसका मैग्निफिकेशन M1 है, इसका मैग्निफिकेशन M2 है, टोटल मैग्निफिकेशन क्या आएगी, सोच के बोलना बस, सोचोगे तो आंसर मिलेगा, बहुत आराम से आंसर मिलेगा, अगर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन समझ में आती है ना, होता क्या है, तो आंसर ओवरऑल आंसर कर सकते हो, चलो एक चीज देखते हैं, M इक्विवेलेंट है क्या, फाइनल इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, यही है ना मैग्निफिकेशन ओवरऑल, ये किसकी हाइट है, फाइनल इमेज की, यहां से नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चल रहा हूं, एक्सटेंडेड होता तो, एक चीज देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट था, पहले लेंस ने जो इमेज प्रोड्यूस की ये मान लो ये बनी, मैं ऊपर बना रहा हूं, हमें सिर्फ रिलेशनशिप देखना है, ये बनी, चलो कोई दिक्कत, ये किस, ये पहले ये ऑब्जेक्ट है और ये पहले की इमेज है, अच्छा दूसरा क्या करेगा, दूसरे के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, अच्छा दूसरे के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और उसने इमेज बनाई मान लो ऐसे और बड़ी, M2 क्या चीज होगी, इसका रेशो और इसका रेशो, हाँ कि ना, M1 क्या है, इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो, इसको हाइट ऑफ इंटरमीडिएट मान लो, ये फाइनल हाइट, M1 क्या हो गया, HI - H0, M2 क्या चीज है, H फाइनल हाइट इमेज बाय HI - करो मल्टीप्लाई दोनों को, करो मल्टीप्लाई दोनों को, क्या ये बनेगा, हाँ कि ना, करो मल्टीप्लाई दोनों को, M1 × M2 आएगा ना, M1 × M2, तो HI - H0 कैंसिल, फाइनल हाइट बाय ऑब्जेक्ट, तो मैं M इक्विवेलेंट क्या लिखूंगा, M1 × M2, तो मैग्निफिकेशन गेट मल्टीप्लाइड, ठीक है, पावर गेट्स एडेड, मैग्निफिकेशन गेट्स मल्टीप्लाइड, M1 × M2 × M3 × M4 × M5, सो ऑन, आई यूज दिस थिंग,
in optical instruments while we'll be doing with the microscopes and telescopes. किसी को दिक्कत परेशानी तो पूछ लो, पक्का? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ध्यान से मार्क कर लो, पढ़ लो एक बार. अच्छा क्वेश्चन देखना, इधर 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 दो लेंसेज हैं कंबाइन किए हुए, वन इज कॉन्वेक्स लेंस, अदर इज कॉनकेव लेंस. वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव. पहले की पावर गिवन है प्लस सिक्स डायोप्टर, दूसरे की पावर गिवन है माइनस टू डायोप्टर. कोई दिक्कत? हाँ कि ना? यू हैव टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ फाइनल कॉम्बिनेशन. ओवरऑल फोकल लेंथ क्या आएगी? फटाफट. आसान है कि डिफिकल्ट है? अरे आसानी तो है. क्या आपस में चिपके हुए हैं? P1 plus P4. तो पावर इक्विवेलेंट कितनी आएगी? P1 plus P4. कितना आया? 4 डायोप्टर. कोई दिक्कत परेशानी? No, हाँ कि ना? सही है ना, 4 डायोप्टर. अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव पावर का मतलब कन्वर्जिंग. अरे पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी क्या आएगी? पॉजिटिव. तो 1 बाय फोकल लेंथ क्या आ गई? फोर. तो एफ इक्विवेलेंट क्या आ गया? क्या 1/4? मीटर पर सेकेंड. अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? 0.25 क्या था? मीटर है कि सेंटीमीटर है? वो SI यूनिट है डायोप्टर. तो ये फोकल लेंथ भी SI में आएगी, यानी कि मीटर. तो आई हैव कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, दैट 25 सेंटीमीटर. ठीक है पॉजिटिव भाई. पॉजिटिव का मतलब कन्वर्जिंग. ठीक है पॉजिटिव मतलब कन्वर्जिंग. तो जिसका नंबर नेगेटिव है वो कॉनकेव लेंस पहन रहा है, जिसका नंबर पॉजिटिव है वो कॉन्वेक्स लेंस पहन रहा है. ठीक है ये आपके पास देखो कॉन्वेक्स लेंस कौन, प्लीज डोंट टॉक. ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स. दूसरा आपके पास कॉनकेव. इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द पावर ऑफ फाइनल कॉम्बिनेशन. फाइंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन. 0.5. देखो पावर, पावर निकालनी है कॉम्बिनेशन की, आपकी मर्जी है. इसकी पावर निकाल लो, इसकी पावर निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो. दूसरा तरीका क्या? पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लो, फिर उसका इन्वर्स कर दो. यू गेट द सेम आंसर. ठीक है तो इसकी फोकल लेंथ और दोनों की फोकल लेंथ पता है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ गई? 1/2 माइनस. क्यों? ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जेंट. तो इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी? इतनी बात समझ में आती है? पक्का? बस यही चीजें हैं जो गड़बड़ करती हैं. पे अटेंशन हियर. तो क्या आएगा आंसर बोलो? 1/30 माइनस 1/20. क्या ये माइनस 1/60 आया? हाँ कि ना? तो क्या आंसर आया? फोकल इक्विवेलेंट क्या आ गई? माइनस 60 सेंटीमीटर. पावर कितनी आ गई? 1/60. माइनस 1/60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. जान के क्या मैंने क्या गड़बड़ है? उधर डायोप्टर नहीं आया सर, फिर कुछ और ही आएगा. ये सेंटीमीटर है कन्वर्ट इनटू मीटर. इतनी बात समझ में आई? yes, हाँ कि ना? yes, तो ये मीटर में कितना आएगा? 60/100. ठीक है ना? नेगेटिव. तो पावर क्या आ गई बोलो? 10/6. 100/60. सो कितना आ गया? 10/6 कितना होता है? माइनस 1.60. चीज समझ में आई? अच्छा इधर इधर जो मुझे अभी मेन रीजन आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग माइनस में डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग
लेंस कौन सा था? दोनों। लेंस कौन सा है? दोनों। क्या दोनों? कनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्केव? कॉन्वेक्सो कॉन्केव या कॉन्वेक्सो कॉन्केव या कनकेवो कॉन्वेक्स? कौन सा नेचर किसका है? नेचर किसका है? कॉन्केव वाला। तो ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? कॉन्केवेक्सो कॉन्केव। वैसे भी डायमीटर, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या इसको क्या बोलते हो, लेकिन मेन आपको पता होना चाहिए नेचर कौन सा है इसके अंदर। समझ में आई चीज? हाँ कि ना? अगर मान लो दोनों ही 30-30 होते फिर आंसर क्या आता? ये भी 30 होता, ये भी 30 होता। कॉन्वेक्सो कॉन्केव या कॉन्केवो कॉन्वेक्स? जो मर्जी बोल दें। सोचो यहां पे भी 30, यहां पे भी 30, इधर क्या आता फिर? 1/30 - 1/30 जीरो। तो इट वुड हैव एक्ट लाइक, इट वुड हैव एक्टेड लाइक प्लेन ग्लास स्लैब। जितना वो कन्वर्ज करता उतना ही वो डाइवर्ज कर देता, फिर से जैसे लाइट रे आती वैसे ही निकल जाती। चलो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तीन लेंसेज कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्वेक्स, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, फोकल लेंथ गिवन है 10, 10, 30, ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, फाइंड फाइनल इमेज कहां पे बनेगी। क्या यहां पे फाइनल इमेज निकालनी है तो क्या पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लूं? नहीं। क्यों नहीं लगेगा यहां पे वो? सर क्योंकि बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। क्योंकि पहले हाँ नहीं, क्वेश्चन है 1/F1 + 1/F2 + 1/F3 करके पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेता हूं, तो तीनों लेंस को एक सिंगल लेंस बना दूंगा उस फोकल लेंथ का, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस निकाल लूंगा। ये भी थिन लेंसेज है, ये भी थिन लेंसेज है। बिफोर यूजिंग 1/F1 + 1/F2 + 1/F3 सो ऑन यू हैव टू मेक श्योर लेंसेज आपस में अटैच होने चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज शुड बी नेग्लिजिबल, बट यहां पे डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल नहीं है, तो फाइनल इमेज कहां पे बनेगी? कैसे करोगे? पहले पहले की इमेज निकालेंगे, पहले इसकी में निकलेगी, फिर इसकी, फिर इसकी। चलो लेंस वन, लेंस वन स्टार्ट हो जाओ, अरे स्टार्ट हो जाओ लेंस वन, 1/V - 1/U = 1/F। तो पहले मुझे डिस्टेंस तो पता नहीं इमेज का, 1/U क्या डालूं फटाफट? अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना डिस्टेंस? 30 प्लस और माइनस, ये साइन के साथ बोलोगे आंसर? क्यों था माइनस 30? रीजन कोई नहीं, रीजन इधर नू मतलब क्यों रीजन? हाँ तो दिस इज माइनस 30, माइनस समझ में आया सबको? इंसिडेंट रेज आर गोइंग लाइक दिस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑपोजिट टू दैट, सो माइनस 30 इज इक्वल टू 1/F, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव? कौन के कन्वर्जिंग है एयर के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस एक्ट लाइक कन्वर्जिंग लेंस, सो प्लस 10, तो 1/V कितना आ गया फटाफट? 1/10 - 1/30, तो ये देखो 33 - 1 तो के 2/15 आया, प्लस 15 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब, प्लस का मतलब यार इमेज प्लस है, कन्वर्जिंग कहां से आया यहां? इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव का मतलब, यार इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट होता है क्या यार? यू हैव टेकन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, वी इज कमिंग टू बी पॉजिटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वी इज पॉजिटिव? छोड़ो आप बोलो। हाँ लेंस से पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है? पोल के इस साइड वाली, सही है ना? तो इमेज कहां पे बनेगी? 15 सेंटीमीटर, अंदाजा लगाओ कहां पे? ये 5 है, ये 10 है, तो कहां बन रही है इमेज? यहां पे। हाँ कि ना? पहले की इमेज यहां पे बननी चाहिए, क्या बनेगी? नहीं, नहीं।
तो पहला आगे लेंस आ गया रास्ते में, हाँ कि ना, कैसे रे आएगी, ये मान लो ऐसे रे आई, कहां पे जाने वाली थी, यहां पे जाने वाली थी, लेकिन जाएगी नहीं, कहां तक जाएगी, यहां तक तो जाएगी, हाँ कि ना। चलो सेकंड लेंस बोलो, वन बाई वी निकालना है, चलो यू बोलो, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कौन सा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया इस लेंस के लिए, कैसे पता, तो ये कौन सा हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या लिखूं डिस्टेंस, क्या लिखूं बोलो, डिस्टेंस क्या लिखूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इस लेंस के लिए, अरे यहाँ से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, पॉजिटिव नेगेटिव, फोकल लेंथ डाइवर्जिंग लेंस है, चलो तो कितना आया, अरे ये गॉन, तो वी कितना आया, इसका मतलब, इसका मतलब यहाँ पे आके पैरेलल होगी रे। अब मुझे तीसरा लेंस सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या, उसके फोकस पर बनेगी, उसके फोकस पे इमेज बन जाएगी, क्या दिक्कत है, तीसरा तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हाँ कि ना, सॉल्व भी करोगे तो आंसर फोकल लेंथ के बराबर आ जाएगा, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, चलो तो फाइनल इमेज कहां बनी फिर, 15 सेंटीमीटर कहां से, फ्रॉम लास्ट लेंस, 30 सेंटीमीटर सॉरी फ्रॉम लास्ट लेंस, कोई दिक्कत परेशानी, आप लगा के भी देख सकते हो 30 सेंटीमीटर अपने आंसर आ जाएगा, लॉजिक समझ में आया, पैरेलल आई तो फोकस भाई कन्वर्ज होगी, चलो हो गया आपका काम। तो मेन चीज जो चीज बतानी थी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, और ये जो मेन चीज आपको याद रखनी है कि जब तक लेंस एक दूसरे के साथ चिपके हुए ना हो, आप 1/F1 + 1/F2 + 1/F3 यूज नहीं कर सकते। हो गया, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सुन लो क्वेश्चन क्या है, तीन आपके पास कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, ये भी एनसीईआरटी का या सीबीएसई में कहीं आया हुआ है, तीनों का फोकल लेंथ कितना है, 10, 10 और 10, तीनों के तीनों लेंसेज कैसे हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज, ऑब्जेक्ट पड़ा है पहले लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, और फाइनल इमेज बनी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूर, कोई दिक्कत, पक्का ना, फाइनल इमेज आपको देके रखी है और ऑब्जेक्ट भी आपको पता है, इस लेंस से दो लेंसेज हैं, बीच का डिस्टेंस d1, दो लेंसेज बीच का डिस्टेंस d2, यू हैव टू फाइंड d1 एंड d2।